जय हिंद एवरीवन। सो यार बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी जो एग्जाम चल रहा है 14 नवंबर से आपके एग्जाम चालू हो गए थे और 3 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। देखिए यार पेपर काफी मॉडरेट आ रहा है ना, इजी टू मॉडरेट आ रहा है और लोगों के नंबर भी काफी अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोगों के नंबर 73-75 की रेंज में है, किसी लोगों के नंबर 75 अबव है, किसी के 63 अबव है, किसी के 65 है। तो यार देखो सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं भाई अभी फिजिकल की तैयारी हम चालू कर दें, हमारे नंबर इतना है। तो यार देखो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा, आपका जो फिजिकल है ऑन सोर्स ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैंने ना डिपार्टमेंट के अंदर से पता करा हुआ है आपका जो फिजिकल होने वाला है वो 22 दिसंबर से होने वाला है। लोग इस बात पे यकीन कर नहीं रहे हैं, मैंने वीडियो भी डाली थी, काफी लोग बोल रहे थे फेक है, लेकिन अभी वो क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरे पास ऑथेंटिक वो मिल भी गया, मेरे को नोटिस मिला हुआ है वहाँ का, और SIP ब्रांच से मैंने पता भी करा था, रिक्रूटमेंट सेल से पता करा था, मैंने मेरे दोस्त वहाँ पे काम करते हैं उनसे पता करा था। तो उनके हिसाब से, उस नोटिस के हिसाब से आपका जो फिजिकल होने वाला है वो 22 दिसंबर से होने वाला है, जिसमें आपका वजीराबाद में उनके 6 ग्राउंड रहेंगे, 2 झरोदा का अलग ग्राउंड रहेंगे, और हर ग्राउंड पे 1000 बच्चों का डेली फिजिकल होगा और 10 दिन तक आपके फिजिकल चलेंगे। सो ये प्रोसेस होने वाली है। तो यार दोस्तों आप ये ना सोचे कि आपकी फिजिकल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है, और जल्दी आपको नोटिस देखने को भी मिलेगा। तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, अगर जिसके नंबर उस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली तैयारी करने लगे। देखिए यार लास्ट टाइम की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा नहीं था उस टाइम के कॉम्पिटिशन के हिसाब से, क्योंकि रीज़न ये था कि जितने लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई करा था और जितने लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई करा था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। एग्जाम जो क्वालिफाई हुआ था, देखिए उस टाइम भी 28 लाख फॉर्म भराए थे, नो डाउट 28 लाख फॉर्म भराए थे, और उस टाइम का जो कैंडिडेट ने जो क्वालिफाई करा था वो 64,000 कैंडिडेट थे जिन्हें एग्जाम क्वालिफाई करा था, और उसके अंदर से ही ओनली 8,000 समथिंग कैंडिडेट थे जिसने फिजिकल क्वालिफाई करा था। तो यार ये मान के चलिए आपका फिजिकल टफ रहता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल में काफी लोग आउट होते हैं। सो उस टाइम पे जो कट ऑफ रही थी, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। सो दोस्तों उस टाइम पे जो मेल की हम बात करें तो मेल की जो कट ऑफ थी यूआर की वो 72.20 थी, उसके बाद ओबीसी की थी 68.39, देन आफ्टर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62.5 थी, क्योंकि उस टाइम पे 2020 में ईडब्ल्यूएस नया नया आया था 2019 में, तो उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास थे, बट इस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से ऊपर रहता है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी एससी की 57 थी और एसटी की 65, एसटी में वैकेंसी कम थी इसलिए उनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहा था एससी से। बाकी हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का कट ऑफ था यूआर का 56, अगर गर्ल्स के नंबर 50 से ऊपर हैं तो भाई आप तैयारी करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ में काफी लोग थे, एक मेरी दोस्त थी, आपने शायद फोटो में देखा होगा प्रतीक्षा, तो उसके 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बड़े हुए थे। सो नॉर्मलाइजेशन में कई बार बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, उसके 50 नंबर थे और नॉर्मलाइज होकर 64 हो गए थे, और ऐसे ही तो मेरे भी 5-7 नंबर बड़े हुए थे, बाकी और भी लोगों के बहुत नंबर बनते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की यूआर की कट ऑफ थी वो 56 थी, ओबीसी की थी वो 53 थी, ठीक है, अब मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की उस टाइम पे भी बहुत कम कट ऑफ रही थी, गर्ल्स की 44.9 थी, मतलब ऑलमोस्ट 45 कट ऑफ रही थी, और एससी की 45 और एसटी की 49। सो अगर किसी भी लड़की के नंबर 50 के आसपास भी हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी करो फिजिकल की, आपका नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेटली इनक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और जिस भी लड़के के नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी चालू कर दो, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है आपका। जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ आपका फिजिकल दिसंबर में ही होगा, और गॉड लक अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हो सकता है बाद में भी कराएं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है दिसंबर में आपका फिजिकल होने वाला है। 3 तारीख को आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 10 या 11 तारीख में आ जाएगा, 22 दिसंबर से आपका फिजिकल है। सो इस चीज को यार अभी देखते थोड़ा ऑथेंटिकली और हो जाए, डिपार्टमेंट और अनाउंस कर दे कुछ चेंजेस ना करें तो, क्योंकि नोटिस में तो यही डला हुआ था कि आपका 22 दिसंबर से फिजिकल है। बाकी अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दें, किसी भी लड़के के 65 प्लस नंबर हैं तो यूआर से वो तैयारी चालू कर दें, नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, और इस बार कट ऑफ भी थोड़ी कम रहने वाली है। रीजन उसके ये भी है, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 4,000-4,500 कुछ थी, ठीक है, और इस बार जो वैकेंसी है वो 7,500 है, तो लगभग 90,000 कैंडिडेट पास करेंगे वो, और 90,000 कैंडिडेट में से 30,000 के आसपास गर्ल्स रहेंगी और 60,000 के आसपास बॉयज रहने वाले हैं। सो कट ऑफ इसलिए कम होने वाली है क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं, इसका फिजिकल टफ होता है, क्योंकि 1600 6 मिनट के अंदर मारना टफ है। मैंने 2 फिजिकल क्वालिफाई करे हैं, वैसे 3 क्वालिफाई करे हैं मैंने, एयरफोर्स का, एसएससी सीपीओ का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे मैं अपने फिजिकल के पीक टाइम पे था, उस टाइम पे मैंने अपना टाइमिंग मारी थी वो 5:25 थी, और 16 फिट का मेरा जंप था, लॉन्ग जंप था, बाकी हाई जंप था। सो मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करी थी उस टाइम पे,
और तो दोस्तों आप तैयारी में लग जाओ क्योंकि आसान नहीं होने वाला 1600 मारना। तो आप बस अपना फोकस करिए, अभी आपका पेपर होगा है तो आप एक भी दिन बर्बाद ना करें, दोनों टाइम अभी ग्राउंड जाना चालू कर दें और अपना डाइट पे प्रॉपर ध्यान रखें। बाकी मैं एक डाइट की वीडियो लेके आऊंगा क्या आपको खाना चाहिए फिजिकल के टाइम पे, ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी डाउन ना हो। और इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं, अगर 65 प्लस नंबर किसी भी लड़के के आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी चालू कर दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बनेंगे और कट ऑफ भी इस बार थोड़ा कम रहेगा क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। बाकी फॉर्म भी इस बार 32 लाख है, तो पिछली बार भी 28 लाख थे यार, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। उसके बाद गर्ल्स के नंबर भी अगर 50 के आसपास है तो वो भी फिजिकल की तैयारी चालू कर दे किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, तो तैयारी चालू कर दो। बाकी फिजिकल आपको जल्द से जल्द होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, जरूर कमेंट में बताएं। अभी टाइम मिल नहीं रहा है, ट्रेनिंग सेंटर में तो ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ती है। और यहाँ की देखो खूबसूरती देखो, हमारे पीछे जस्ट पहाड़ है और पहाड़ बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हो रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपकी एक प्रॉपर डाइट की वीडियो ले आऊंगा, एक फिजिकल की वीडियो लेके आऊंगा, कैसे मैंने फिजिकल क्वालिफाई करा था, कैसे आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और बाकी वो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको वो चीज़ ऑथेंटिक है मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने कम से कम 15 से 20 बंदों से कंफर्म करा है, जो कि 5 से 7 तो वही थे जो रिक्रूटमेंट सेल में काम करते हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंटल बंदे से काम, तो और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ यार, क्योंकि मैं रहा हूँ दिल्ली पुलिस में, रहा हूँ ट्रेनिंग करिए, रिक्रूटमेंट सेल में बहुत काम रहा है मेरा, टर्मिनेशन टाइम पे मैंने बहुत चक्कर काटे वहाँ के, तो मेरे को काफ़ी अच्छा आइडिया भी है। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि दिसंबर में फिजिकल होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले उनको कंप्लीट करवानी पड़ेगा एनी हाउ। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।